अच्छा फिफ्थ वाला, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस व्हेन nth the first three terms of an sequence when nth term is n square minus 2n, nth term is n square minus 2n. Now see here, n square minus 2n, agar n 1 hai to 1 square minus 2 into 1, to kya hoga, 1 minus 2 is minus 1. Agar n 2 hai तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इनटू 2 दैट विल बी 0, और n 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस 2 इनटू 3 दैट इज 9 माइनस 6 इज 3. तो आंसर माइनस 1, 0 और 3. हमेशा फर्स्ट नंबर के लिए n 1 लेने का, सेकंड नंबर के लिए n 2 लेने का, एंड थर्ड नंबर के लिए n 3 लेने का. तो क्या आंसर आएगा, ये माइनस 103 है ना. फॉलो दिस, विच टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन माइनस 1, विच टर्म माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 इज माइनस 39. नाउ ये क्या है, यहां पे माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 39 में n क्या होगा, विच टर्म मतलब n निकालने का. नॉ tn की फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d. यहां पे a क्या है, माइनस 1, ये रहा, d इज इक्वल टू माइनस 2 दैट इज माइनस 3 माइनस माइनस 1 इज माइनस 2, माइनस 5 माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2. तो d माइनस 2 है, a माइनस 1 है, और tn बोला है 39 पहुंचेंगे तो कौन सा टर्म आएगा, तो माइनस 39 आएगा. माइनस 39 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2. तो माइनस 39 प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2. माइनस 38 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 2. इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 19 इज इक्वल टू प्लस 19 इज इक्वल टू एन माइनस 1. तो एन इज इक्वल टू 20. एन क्या होगा, 20 होगा. अब है ना, सुनो, ये ना विच टर्म इज, आंसर इज B, 20th term. इसको एक दूसरा मेथड भी है, जब भी AP होगा ना तो देखो क्या करने का, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 9 ऐसे चलेगा. तो TN की फॉर्मूला है ना, ये डिफरेंस कितना है, D इज इक्वल टू माइनस 2 है ना, D इज इक्वल टू माइनस 2. तो क्या करने का, TN की फॉर्मूला डायरेक्टली बनाने की, ये टी डी एन है वो माइनस टू है तो माइनस टू एन लिख देने का. ओके, नाउ माइनस टू इंटू वन क्या होता है, माइनस टू होता है, फर्स्ट टर्म माइनस टू होता है इसके हिसाब से, लेकिन यहां पे माइनस वन आ रहा है तो ये प्लस वन कर देने का, ये इसकी फॉर्मूला है. ओके, तो अब 39 इज इक्वल टू माइनस टू एन, माइनस 39 प्लस 1, तो माइनस 39 इज इक्वल टू माइनस, देखो ये माइनस 2 है, माइनस 2 इंटू 1 क्या होता है, माइनस 2, प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 आता है कि नहीं. सिमिलरली यहां पे ट्राई करो, माइनस 2 एन माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 आता है. तो ये माइनस 39 इज इक्वल टू माइनस 2 एन प्लस 1, तो ये माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 2 एन. तो 2n इज इक्वल टू 40, n इज इक्वल टू फिर से आ गया क्या, 20, ऑप्शन बी. ये तुम लोगों को मैं बताना tn की फॉर्मूला कैसे निकालने की डायरेक्ट. ये एक तो फॉर्मूला क्या है tn की, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tn,
the value of x such that now अभी tn की direct formula समझ में आई. Now take find the value of x such that 8x plus 4 6x minus 2 and 2x plus 7 are in AP. ये लोग तीन टर्म AP में है. कौन से? 8x plus 4 6x minus 2 and 2x plus 7. अब ये ना देखो, अगर if A B C are in A P तो B minus A and is equal to C minus B. इसका मतलब B plus B is equal to A plus C. तो B to B is equal to A plus C. मतलब मिडिल टर्म को दो बार गिनेंगे तो इन दोनों का सम होता है. अब यहां पे ये क्या है? A है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. क्या करेंगे? एपी में है ये लोग लेकिन x की वैल्यू मालूम नहीं है. तो 2 into 6x minus 2 will be equal to 8x plus 4 plus 2x plus 7. तो 12x minus 4 is equal to 8x plus 2x, that will be 10x plus 11. अब x को इधर लेके आ जाओ, 2x हो जाएगा 11 plus 4. तो x is equal to what? 15 by 2. 15 by 2 option है. X is equal to 15 by 2. Okay? Follow this. 15 by 2 is the option. Check करना है 15 by 2 या substitute करो. 15 by 2 into 15, that is 64 आ जाएगा ये. 60 plus 4, 64. फिर 15 by 2 into 6. That is 45 minus 2, तो 43 हो जाएगा, okay? And ये 64, ये 43, और ये 2x मतलब 15 plus 7, that is 22, तो 64, 43 और 21, okay? 64, सब में 22 का फरक है ना, 22 का फरक है ना? ये भी 22 का फरक है, ये भी 22 का फरक है. So the answer is 15 by 2. Okay. Now this is a difficult sum. Now see here. Mth term of an AP is n and nth term of n is m, then rth term will be how much? Now you have a difficult sum. Okay, mth term is mth term kya hai? N hai. Aur nth term kya hai? Hello, सुनाई दे रही आवाज? mth टर्म है ना, देखो एक AP है, उसमें है ना बहुत सारे टर्म्स हैं. अभी है ना mth टर्म इस n एंड nth टर्म इस m. अभी ये फॉर्मूला से करना जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको. इसको कैसे करना? तुम लोग है ना m to term और n term कोई भी ले लो, चाहे आजू बाजू में ले लो. जैसे देखो m is equal to say 3 और n is equal to 2. m is equal to 3 और n is equal to 2. तो mth term मतलब third term, third term is n, मतलब यहां पे 2 है. और nth term
is n, मतलब nth टर्म मतलब सेकेंड टर्म इज 3, तो यहां पे 3 है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, आजू बाजू में ले लेने का ऐसे, तो दूसरे स्थान पे 3 है और तीसरे स्थान पे 2 है, तो इसका d क्या होगा, d इज माइनस 1, है ना, d क्या है, माइनस 1, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 4 होगा, 4 और a क्या है, 4 है, a इज 4, d इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 1, आया समझ में पहले बात, यस और नो, हाँ, मैं दूसरे मेथड से भी करके बताऊंगा, d इज इक्वल टू माइनस 1 और a इज इक्वल टू 4 आ गया ये, अब है ना आर्थ टर्म क्या होगा, आर्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू d, a क्या है 4 प्लस r माइनस 1, ओके, r माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 1, है ना, तो क्या होगा 4 प्लस 4 माइनस r, 4 माइनस r प्लस 1, दैट इज 5 प्लस r, ना 5 प्लस r आंसर आता है हमारा, और m 2 है और n 3 है, अब है ना इसमें क्या आंसर होगा, ये d वाला ऑप्शन होगा ना, m प्लस n माइनस r, देखो m 2 है और m प्लस n माइनस r, अपना 5 प्लस r आ रहा है, तो पेस प्लस r क्या है, सॉरी 5 प्लस r आ रहा है ना अपना, 5 माइनस r आ रहा है, सॉरी इट इज 5 माइनस r, ओके, तो 5 माइनस r आ रहा है, तो 5 माइनस r क्या होगा, 4 प्लस m, 4 प्लस 1, सॉरी 2 प्लस 3, ये m क्या है, m is 3 प्लस 2 माइनस r, तो आंसर इज ऑप्शन d, ओके, माइनस r आना चाहिए, देखो ये हमारा क्या हुआ था, क्या मैंने लिखने में गलती हुई थी, 5 माइनस r था, ओके, 5 माइनस r क्या हो गया, अब अरे तुम लोगों को लगेगा कि ये सब ऐसे कैसे कर दिया, देखो इसमें अगर हम फॉर्मूला से जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और उतना टाइम होता नहीं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स करने को, ओके, तो mth टर्म इज m, m को 2 ले लो, n को 3 ले लो, या n को 3 ले लो, m को 2 ले लो, आजू बाजू ले लो, वो दूसरे स्थान पे तीसरा है, तीसरे स्थान पे दूसरा है, ओके, तुम लोग ऐसा दूसरा मेथड से भी कर सकते हो, देखो कैसे, जैसे है ना ये a b है, ओके, समझो ऐसे ट्राई करते हो, ओके, अभी m इज इक्वल टू 6, ओके, एंड n इज इक्वल टू व्हाट, से 9, ओके, तो ये फिर काफी लेंदी हो जाएगा, इससे करोगे तो भी चलेगा, मतलब छठे स्थान पे तुम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना, तो 6 पे 1 2 3 4 5 6, यहां पे तुम लोग क्या लिखोगे, 9 लिखोगे 6 स्थान पे, 6 है ना, m is equal to 6, और 9वें स्थान पे क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, है ना, तो क्या करोगे, ये t 6 है और ये t 9 है, 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, अब देखो मैं दूसरे मेथड से, मतलब कुछ भी नंबर लेके आ सकते हैं, मैं ऐसा बता रहा हूं, जैसे छठे स्थान पे 9 है और 9वें स्थान पे 6, ओके, तो यहां पे क्या होगा, a plus 5d है ना, 6 स्थान इज इक्वल टू 9 एंड a plus 8d इज इक्वल टू 6, पक्का ये 8d हो जाएगा ना, अब है ना ये 1 2 3 3, एक एक का फर्क आएगा इसमें, यहाँ पे ना d इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा फिर से, व्हाट विल बी d, d विल बी माइनस 1, देखो कैसे माइनस माइनस माइनस, तो माइनस 3d इज इक्वल टू 3, तो d इज इक्वल टू फिर से माइनस 1 आ गया, हाँ तो ये आएगा क्या 8 7 6 5 4, आया कि नहीं, 8 7 6 5 4 आया, फिर क्या आया, a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू माइनस 1, तो tn क्या बनेगा अपना, वापस tn वही बनेगा, tn विल बी 5 माइनस r ही बनेगा और से, क्योंकि सेम आया था ना, a इज इक्वल टू, यहाँ पे a और सेम तो आया था, ये सेम आएगा ना स्टोरी, 4 प्लस r माइनस 1 माइनस 1, तो आएगा 5 माइनस r, ओके,
ओके, 5 माइनस एक बता, ये आया देखो, ये 9 है, ये 6 है, 6 है ना, सिक्स सेवन एट नाइन, यहाँ पे 10, 11, 12, 39, 14, तो क्या होगा, 14 प्लस आर माइनस वन इंटू माइनस वन, 14 माइनस आर प्लस वन, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस आर, दैट इज 9 प्लस 6 माइनस आर, एम प्लस एन माइनस आर, ओके, फॉलो दिस, नाउ द नंबर ऑफ टर्म्स टर्म्स ऑफ द सीरीज 10 प्लस, अब है ना ये एस एन की फॉर्मूला है यहाँ पे ना, अब हम लोग क्या करेंगे, एस एन की फॉर्मूला देखेंगे, इस पे प्रॉब्लम्स ऑन एस एन फॉर्मूला, क्या है एस एन की फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स, देखो ये हम लोग आज सीखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, जैसे ना ये एपी है, से एपी के तीन नंबर है 1, 3, 5, ओके, ना इसका टोटल क्या होगा 9 होगा, तो मिडिल टर्म को है ना, मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म इज 3 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने 3, तो 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, एस एन क्या होता है, मिडिल टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, अब प्रॉब्लम होता है कि मिडिल टर्म कैसे निकालने का, हाउ टू फाइंड व्हाट मिडिल टर्म, जैसे देखो चार नंबर लेंगे 1 से 4 7 10 एंड 13, अच्छा तो मिडिल टर्म इसमें दो होते हैं, ये दो मिडिल टर्म है, पर इनके मिडिल टर्म भी क्या होगा 7 और 10 के बीच में क्या आता है, 7 और 10 के बीच में आएगा 8.5 इंटू 4, तो ये आएगा 34, देखो 34 होता है 11 प्लस 10 21 प्लस 13 34 आता है ना टोटल मिला के, नाउ हियर SN इज इक्वल टू मिडिल टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म, अभी मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू, जैसे अगर एक एपी है ए, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, तो इसका एंथ टर्म क्या होगा ए प्लस ए माइनस वन डी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए इसमें, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हुए एन, और मिडिल टर्म क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन टू, ये मिडिल टर्म होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू, और कितने टर्म्स है एन है, तो एस एन होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन टू इंटू एन, इसको ऐसे लिखते एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हुई, ओके, यहां पे दूसरी फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, ओके ये लिखो तुम लोग, ये प्लस है लिखा,
हेलो हो गया हाँ, हम लोग एक्सरेज भी करते आते हैं और सम्स भी करते आते हैं। सुनो ये इधर भी इसने एसएन के सम्स किए हैं, पूरा मॉड्यूल स्कैन करेंगे इसने कैसे लिखा है। सी हियर ये तो हमने किया था कभी सम ऑफ एन टर्म्स, देखो इसमें लिखा है ये फॉर्मूला बताइए, n by 2 into 2a plus n minus 1 to t, ओके ना अभी सीधा प्रॉब्लम नहीं करो, ओके हाँ ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या लिखा है द नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करो, नंबर ऑफ टर्म्स 10 प्लस 9 2 बाय 3 प्लस 9 1 बाय 3 प्लस 9 और टोटल 155 होता है। सी हियर 10 प्लस 9 2 बाय 3 प्लस 9 1 बाय 3 9 1/3 प्लस 9 अप टू टोटल 155 होता है, मतलब टोटल 155 हो जाता है। ना यहां पर a क्या है 10 है, d क्या है ये फर्स्ट टर्म है ना a 10 है और सेकंड टर्म 9 2 बाय 3 मतलब क्या होता है दिस इज 29 बाय 3 और तीसरा टर्म है देखो ये 10 है ये 29 बाय 3 है और ये 28 बाय 3 है 9 1 बाय 3 और फिर 27 बाय 3 है मतलब तो D is 10 minus 29 by 3 that is 1 by 3 ये 1 by 3 आ रहा है सब में इसमें भी 1 by 3 फरक है तो A okay now D is equal to 1 by 3 अभी है ना Sn क्या है Sn की फॉर्मूला क्या है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d तो यहां पे 155 हो गया n का पता नहीं है n by 2 2a 2 into 10 और d minus 1 by 3 आएगा यहां पे d क्या आएगा minus 1 by 3 2a plus n minus 1 into minus 1 by 3 पहले इतना लिखो लिखा हेलो तो 155 इसको 2 को इधर भेज दो तो 310 हो जाएगा 155 into 2 into n into 20 minus 1 by 3 n minus 1 by 3 into n plus 1 by 3 minus 1 into minus 1 by 3 is plus 1 by 3 so 310 is equal to n अब अंदर ही LCM ले लो LCM 3 आएगा 60 minus n प्लस 1 तो 310 इज इक्वल टू n इनटू 61 माइनस n अपॉन 3 ओके इसको इधर भेजो तो 930 इज इक्वल टू 930 इज इक्वल टू 61 n माइनस n square अब है ना यहाँ पे तुम लोग quadratic equation solve कर सकते हो लेकिन बहुत time लगेगा n को 30 लेके देखो पहले take n as what 30 तो 61 into 30 कितना होता है 61 into 30 होता है
1830 और n square is, अगर n, the n square is 900, 30 into 30, तो 930 होता है ना, 1830 minus 900, तो फिर n 30 है, मतलब n is 30, negative answer भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे n, ऐसा एक quadratic equation solve कर सकते हैं, quadratic equation से, लेकिन उसको वो time लगेगा, तो इसलिए तुम लोग क्या करने का, सीधा substitute करके देखने का, okay? Follow this? Yes or no? हाँ पक्का हाँ tenth the nth term of a series find nth term of a series whose sum to n terms is अभी है ना sum इसने number नहीं दिया sum इसने n इसमें नम उसने क्या दिया है 5n square plus 2n दिया ऐसा दिया है देखो हमको sum find करना है nth term find करना है क्या है क्या 5n square plus 2n sn is equal to 5n square plus 2n follow this 5n square plus 2n ये क्या है sn है follow this or not 5n square plus 2n is n square ये sum है अब है ना हमको number नहीं पता है क्या यानी क्या नहीं पता है सीरीज पता है क्या नहीं फिर बोला इसकी टीएन की फॉर्मूला बताओ क्या बताओ टीएन अब है ना इसका कुछ भी पता नहीं है तो क्या करना है इसको दो मेथड है एक तो है ना ये एसएन की फॉर्मूला है ना तो एन को वन डालो तो ये क्या बनेगा फाइव इंटू वन स्क्वायर फाइव प्लस टू इंटू वन दैट इज टू तो ये सेवन बनेगा कि नहीं ये सो अगर एन को टू डाला तो टू स्क्वायर फोर 4 into 5 20 20 plus 4 कितना होगा 24 बनेगा isn't it मतलब ये है ना सुनो ये APM construct कर रहे हैं कैसे अगर मैं n1 डालता हूं तो ये तो sn का formula है मतलब अगर n1 है तो sn क्या होगा यहां तक का total होगा एक number का total होगा 7 तो वो 7 ही रहेगा first एक ही number है पर 2 का total 24 होता है तो इधर 17 आना चाहिए मतलब है ना 10 का फर्क है और अगर 3 लेंगे n is equal to 3 लेता हूं मैं समझो तो n is equal to 3 होगा तो 5 into 3 square 45 ये 9 होगा 45 ये 3 into 3 9 plus into 5 45 45 plus 15 45 plus 45 plus 6 sorry 45 plus 6 क्या आएगा 51 समझा कैसे 5 into 3 square plus 2 into 3 तो ये 45 होता है तो ये 51 total आएगा यहाँ पे तो ये 27 आएगा तो आएगा ना यहाँ पे 24 हो गया और कितना ऐड करेंगे तो ये हमारा GP बन गया तो इसके बाद 37 आएगा ऐसा हमारा GP बन गया अब हमको TN find करना है क्या find करना है tn इनमें डिफरेंस कितना है देखो सब में डिफरेंस 10 है तो सीधा 10n लिखने का राइट व्हाट ये एक मेथड है 10n निकलेगा 10n लिखा और लेकिन 10 into 1 कितना होता है 10 होता है लेकिन यहां पे तो 7 है तो -3 कर दो आंसर क्या है 10n -3 ये शॉर्टकट मेथड है अब तुम लोग को ये आंसर है ओके 10n -3 दूसरा मेथड क्या है बताता हूं सुनो दूसरा मेथड ये है कि 5n square plus 2n is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d है ना ये ऐसा चलेगा फिर इसको पूरा multiply करना पड़ेगा full को और फिर a और d निकालने का हाँ ये full इतना lengthy method जाएगा इसमें कि तुम लोगों को 10n square plus 4n is equal to ये पूरा का पूरा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n से मल्टीप्लाई करने का n into 2a plus n minus 1 into d ओके अब है ना इसको तुम लोग क्या करोगे n से डिवाइड करोगे इधर दोनों साइड को n से डिवाइड करोगे तो 10 n plus 4 मिलेगा is equal to
a plus n minus 1 into d, है ना? ओके, फिर तुम लोग को 10 n plus 4 is equal to a plus tn. ओके, फिर a को तुम लोग 7 डालोगे, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म का टोटल 7 ही आता है ना, n is equal to 1 डालते हो. फॉर दिस फिर 7 इधर डालोगे तो क्या होगा, 10 n plus 4 is equal to 7 plus tn. तो 10 plus 4 minus 7 is equal to tn. tn is equal to 10 n minus 3. अब तुम लोगों को 7 कहां से आया? अरे 7 मैंने क्या किया, n is equal to 1 डाला. क्या डाला? n is equal to 1. तो पहले नंबर का टोटल 7 है, तो पहला नंबर 7 ही होगा. उसे जो डायरेक्टली ऐसे ऐसा करते आने का, सबका टोटल लेने का, 2 का 3 का, और आंसर आ जाएगा. ओके, समझाइए. यस और नो? फिर आगे आगे है nth term of a series. नहीं, the number of terms of a series, ये हो गया, सॉरी, ये भी हो गया. 20th term, 20th term पूछ रहा है, 1, 4, 7, 10 का. ये ना एक मिनट के अंदर लेके आ सकते, सुनो क्या नंबर है. वन फोर सेवन टेन ना, तो डायरेक्टली टी एन की फॉर्मूला बना. ये कितना फर्क है, 3n, 3 का फर्क है तो 3n लिख देने का. और ये 3n, 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 3 हो रहा है, तो माइनस 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा. तो टी एन की फॉर्मूला है. अब क्या बोला है, 20th टर्म, n इज इक्वल टू 20, नो, तो 3 इंटू 20 माइनस 2, दैट इज 58 होगा आंसर. ओके, okay. 58 इज द आंसर. ओके, फर्स्ट वन. द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 21 टर्म्स तक है. कितने टर्म्स है, 21 टर्म्स है. क्या है नंबर्स, 5 7 9 ना, ये भी इजी है. 5 7 9 कितने टर्म्स है, 21 टर्म नहीं, 21 n is equal to 21 है ना. अभी इसकी tn की फॉर्मूला क्या करने की, ये कितना फर्क है, दो दो का फर्क है तो सीधा 2n लिखने का, है ना. 2n लिखा, अभी 2 into 1 कितना होता है, 2, पर यहाँ पे 5 है, तो 2n plus 3 करने का, क्या करने का, 2n plus 3, tn is equal to 2n plus 3, पक्का? Yes or no? Hello? हाँ, अब तेरे को n क्या लिखा है, n is 21 ना, तो 2 into 21 plus 3, तो क्या आएगा, 42 plus 3, that is 45. Okay? Follow this? देखो है 45 है ना? Yes or no? हाँ, अब है ना, ऐसे 25 समय खाली. ओके, 13th one, क्या बोला है, द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी क्या है, 0.6, 1.2, 1.8 टू 13 टर्म्स. ये भी बहुत इजी है, 0.6 वो सेम स्टाइल से, 0.6, 1.2, 1.8, 13 टर्म्स है, 13 टर्म्स है, मतलब 13 नंबर, n इज इक्वल टू 13 है. अब मैंने पहले इसका tn बना, देखो ये 0.6 है, क्या ये 0.6 का फर्क है कि नहीं, तो इसका tn होगा 0.6 का फर्क है. देखो ये दोनों का फर्क 0.6, d 0.6 है, 0.6 n लिखो, 0.6 into 1 तो 0.6 ही आ रहा है, बराबर है, तो कुछ नहीं करने का, tn is equal to 0.6 n. ओके, अभी n is equal to 13, तो 0.6 into 13 it will be 7.8 I think. ओके, देखो है ऑप्शन आंसर 7.8, यस, ये आंसर है, है ना आंसर. ओके, फॉलो दिस, यस और नो? हाँ, द सम ऑफ सीरीज 9, 5, 1 टू 100 टर्म्स, 100 टर्म्स तक है, 100 टर्म्स है, इस सम निकालना है इसका.
अब इसका सम निकालना है ना, तो देखो क्या सीरीज क्या है, 951 100 टर्म्स, हाँ 951 अप टू 100 टर्म्स, थोड़ा ध्यान से देखना ये 100 टर्म्स, 0 टर्म, 10 टर्म्स नहीं, ओके सी है। यहां पे एक तो फॉर्मूला सिंपल है, a इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू -4, सॉरी d इज इक्वल टू -4 एंड n इज इक्वल टू 100, ओके d इज इक्वल टू -4। तो एक फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला बोलो, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n बाय 2 मतलब 100 बाय 2, 2a मतलब 2 इंटू 5, n माइनस 1 इज 100 माइनस 1 इंटू माइनस 4, ओके ये आंसर आएगा, ये आएगा 50 इंटू 10 प्लस 99 इंटू माइनस 4, पक्का। अब इसका 50 इंटू 99 इंटू माइनस 4 कितना होता है, 100 माइनस 396, सॉरी 10 माइनस 396, ओके 50 इंटू 10 माइनस 396, तो यस क्या 2 इंटू 9 लेने का ना, इधर सॉरी यहां पे रुको, सुनो 2 इंटू 9 है यहां पे, एक मिनट, n बाय 2 100 बाय 2 इंटू 2 इंटू 9 प्लस 100 माइनस 1 इंटू माइनस 4, तो ये 50 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 माइनस 99 इंटू 4 इज 396। ये क्या होगा 50 इंटू माइनस 378, तो कैलकुलेटर पे ले लो 50 इंटू 378 कितना होता है 18900 माइनस 18900। ये ना बहुत लॉन्ग कट मेथड का, और ऐसे देखो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है इसमें, ओके ये n बाय 2 ऐसा कर दिया तुम लोगों ने। दूसरा मेथड क्या है, एस एन निकालना है 100 टर्म्स का, फर्स्ट टर्म क्या है, अच्छा इसकी टी एन की फॉर्मूला क्या होगी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टी एन, यहाँ पे 951, तो ये माइनस 4n है, क्या है माइनस 4 है ना, माइनस 4n, माइनस 4 इंटू 1 कितना होता है माइनस 4, पर यहाँ पे 9 आता है, तो माइनस 4 से 9 पे लेना है तो 13 होता है कि नहीं, हाँ माइनस 4n प्लस 13, ये लास्ट टर्म है, क्या ये लास्ट टर्म है, तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा 100 पे, माइनस 4 इंटू 100 प्लस 13, ओके माइनस 4 इंटू 100 तो माइनस 400 प्लस 13, ये इसका लास्ट टर्म होगा, दैट विल बी 387। अब है ना एस एन क्या होगा, फर्स्ट टर्म 9 प्लस माइनस 387 ये लास्ट टर्म अपॉन 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, अब ये कर दो माइनस 387 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, माइनस 387 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 इनटू 100, तो ये आएगा माइनस 18900, ऐसा डायरेक्टली भी कर सकते हो, ओके फॉलो दिस, आया समझ में। नाउ इंसर्शन ऑफ टू अरिथमेटिक मीन्स, इसका मतलब क्या, ये यहां पे डिस्कस हुए, देखो ये कंसेप्ट,
फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 10. तो 4 एंड 10 के बीच में क्या अरिथमेटिक मीन होगा? 4 प्लस 10 अपॉन 2, 7. इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन, इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 324. क्या सवाल है? इंसर्ट 4 AMs बिटवीन 4 एंड 324. इसका मतलब 4 और 324 है और बीच में चार स्थान है. देर आर 4 पोजिशंस बीच में, सच दैट 6 नंबर्स फॉर्म एन एपी. मतलब ये 6 नंबर है ना, एपी होगा. क्या हो जाएगा? ये 6 नंबर क्या हो जाएंगे? एपी हो जाएगा. ये है ना ए हो जाएगा, ये टी टू, ये टी थ्री, ये टी फोर, ये टी फाइव और ये टी सिक्स हो जाएगा. तो इसके अंदर 4 नंबर ऐसे डाल लेंगे तो ये पूरा एपी हो जाएगा. तो ये ना ए इज इक्वल टू 4 और ये 6 नंबर हो जाएगा. बीच में 4, साइड पे एक 5 और ये 6. तो टी सिक्स इज इक्वल टू ए प्लस 5D. तो 4 प्लस 5D इज इक्वल टू 324. तो 5D इज इक्वल टू 320 एंड D इज इक्वल टू 64. ओके, D इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाय 5, 64. ओके, फॉलो दिस. अच्छा, अब यहां पे क्या आएगा? यहां पे नंबर आएगा 68 प्लस 64 कितना होगा? 132 प्लस 64 कितना होगा? 196 प्लस 260. तो ये 4 अरिथमेटिक मीन आएंगे बीच में. ओके, ये देखो 196 132 आया ना. तो यहां पर भी प्रॉब्लम उसी प्रकार का है कि ये लोग बोल रहे हैं कि टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -6 and 14. टू AMs बिटवीन -6 and 14. टू AMs बिटवीन -6 and 14. ओके, ना -6 and 14 के बीच में 2 AM डालने, मतलब ये -6 है और ये 14 है. ओके, इसके बीच में 2 नंबर डाले जाएंगे. ओके, ना ये 2 नंबर डाले जाएंगे मतलब क्या होगा? ये A होगा, ये T2, ये T3 और ये T4. तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 14, -6 प्लस 3D के माइनस 3D इज इक्वल टू 20, D इज इक्वल टू 20/3. अब है ना, इसमें आंसर पॉइंट में आ रहा है. तो कौन से नंबर्स होंगे बोल रहा है, और है 1/3, 3/3, ऐसे ही आंसर देखो. तो D इज इक्वल टू 20/3, तो ये -6 प्लस 20/3, तो ये होगा 2/3 हो जाएगा. -18 प्लस 20/3, फिर 2/3 प्लस 20/3, दैट इज 22/3, और फिर 22/3 प्लस 20/3, दैट इज 42/3, दैट इज 14. तो ये नंबर्स क्या होंगे? 2/3 होगा और 22/3 होगा. ओके, टू बाय थ्री एंड ये 22/3 है, 7 1/3 इज 22/3.